श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल जी, कृष्ण भगवान जी आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी घर में समस्या ना हो, यही इनसे अरदास करते हैं। कई माताएं बहनें लड्डू गोपाल रखती हैं, तो भाई जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह उनको यमुना जल से नहलाओ, उनके वस्त्र चेंज करो, फल मिठाई दही मक्खन मिश्री का भोग लगाओ। किसी के घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भाई आपके आसपास कहीं भी कृष्ण जी भगवान जी का मंदिर हो तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ श्रद्धा और भावना के साथ फल फूल मिठाई दही मक्खन मिश्री ले जाकर वहाँ भोग लगाना चाहिए। कई माताएं बहनें जैसे लड्डू गोपाल रखती हैं, सुबह भी काम भी हो जाते हैं, उठती हैं तब घर परिवार की तो लड्डू गोपाल को संभालने लग जाती हैं कि कहीं नाराज़ ना हो जाए लड्डू गोपाल जी, उठ नहीं जाएं। तो ऐसा नहीं है भाई, शाम को जब खिला पिला कर उनको सवाओ तो उस टाइम जो है आपने उनको बोल देना है कि आपने 7 बजे उठना है, इससे पहले नहीं उठना है, तो वो 7 बजे से पहले नहीं उठेंगे भाई। आप भरोसा करके देखो, वो 7 बजे से पहले नहीं उठेंगी, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होता है और उनको पता है कि इनको और भी कार्य काम हैं जो कि निपटाने हैं, तो मजबूरी है, तो आप जो टाइम बताओगे उस टाइम से पहले वह नहीं उठेंगी। तब हाँ, जो आपने टाइम बता दिया उस टाइम पर आपने उनके पास जाना है, उनको संभालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो लड्डू गोपाल माताएं बहनें रखती हैं उस घर परिवार के अंदर भाई प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं, सख्त मना है अगर आप ऐसा करोगे ये, क्योंकि ये बदबूदार चीज़ होती हैं। इनका सेवन घर परिवार में कोई भी इंसान करेगा, मदिरा का सेवन करेगा, तो घर परिवार में भाई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से नियम होते हैं। लेकिन देखा देखी की रीस हो रही है भाई, हर कोई लेकर आ जाती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी, लेकिन बाद में दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। इसका कारण यही है, एक कोई भी माता बहन लड्डू गोपाल को उठा रही है, या कोई बड़ी बुढ़िया या चाचा ताऊ हमारे आ गए हैं, उनके पैर छूती है लड्डू गोपाल को लेकर, मैंने देखा है कई बार, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीन लोग के स्वामी हैं भाई, इनको हाथ में लेकर आप पैर छूओगे ऐसा कतई शोभा नहीं देता, इसमें ये नाराज हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी के पैर मत छूओ लड्डू गोपाल हाथ में लेकर, किसी और दूसरे को, और हर किसी को दिया भी नहीं जाता भाई, ये देखना पड़ता है कि ये इस लायक है या नहीं है भाई, स्नान कर रखा है इसने या नहीं कर रखा, ये नहीं कि वो कोई कहीं भी इसको रख दिया, चारपाई के ऊपर रख दिया या कहीं भी रख दिया और काम निपटाने लग गए, नहीं ऐसा नहीं है। साफ सुथरी जगह पर इनको बैठाओ अगर आप ले रहे हो तो इनको, और तब कोई कार्य करो, इनको हाथ में लेकर मत करो, गोदी में उठा कर मत करो। दूसरी बात है भाई कि मैंने कहीं धाम पर जाकर भी देखा है, कई कई माताएं बहनें जो है धाम के ऊपर इनको साथ लेकर जाती हैं, भीड़ भड़ाका जबरदस्त धक्का मुक्की, पता नहीं कौन कैसा इंसान इनको टच भी करता है, वो छोटी सी टोकरिया में रखती हैं भाई लड्डू गोपाल जी को, अगर वो टोकरिया को भी टच हो जाता है तो उसी में तो है ही, उसमें भी भाई पाप लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर परिवार में कोई एक सदस्य रहे तो उनको शोक पर जाना चाहिए, पीछे से वो संभालेंगे। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं भाई। और किसी के घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भाई कृष्ण जी के मंदिर में जाओ और वहाँ करो। व्रत अगले दिन खुलता है कोई भाई, शाम को जो है 12 बजे के बाद खोल लेता है, वो तो एक श्रद्धा और भावना के साथ होता है भाई, कोई रात को खोल लेता है, कोई अगले दिन सुबह खोल लेता है, तो वो आपकी इच्छा है। तो लड्डू गोपाल जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे, कृष्ण जी आपकी हर मनोकामनाएं जो आप श्रद्धा और भावना से इनके पूछते हो, वो आपकी हर मनोकामनाएं ये पूरी करेंगे, यही इनसे अरदास करते हैं। बस एक भाव के भूखे होते हैं ये, इंसान के अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति की भावना होनी चाहिए, तो ये हर किसी की मुराद पूरी करते हैं भाई। मानो तो देव और ना मानो तो कहते हैं ना भीत का लेव, तो ये सब जो है भावना के ऊपर डिपेंड है। भावना अगर अच्छी है,
हाँ, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वे क्षमा कर देते हैं, लेकिन पता चलने के बाद भी इंसान कोई गलती करता है तो वो क्षमा के योग्य नहीं होता भाई। तो कई माताएं बहनें मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल ले आई, कुछ समय के बाद किसी और को दे देंगी उसको और ले आएंगी। तो भाई अगर उसने जितने साल भी वो रखा है उसकी सेवा की है, किसी और को दे दिया, तो वो उसकी सेवा जो है अनर्थ हो गई। फिर नए सिरे से चलो भाई, और क्या पता फिर वो माने या ना माने। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल ले आए हो तो उसकी सेवा करो, आदर सम्मान और भावना के साथ उनको रखो, और ठीक प्रकार से जो है उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है उसका पालन करो। ये नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल ही होता है भाई। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें, ये ध्यान में रखनी चाहिए। पहले देखो, अमल करो, उसके बाद में इसको लेकर आओ, क्योंकि इनका पालन बड़ा कठिन है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ले आए घर पे रख दिया ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो ये एक छोटी सी जो है, कुछ जानते थे वो आपके सामने हमने बताई है, इसके ऊपर अमल भी करना है, खासकर तौर पर माताओं बहनों को। तो जन्माष्टमी आ चुकी है, कल की जन्माष्टमी है, लड्डू गोपाल जी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी आस्था और उम्मीद के साथ जो है उनसे अरदास कर रहे हैं, आप सभी घर में खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, लक्ष्मी और अन्न धन के आपके हर घर परिवार के अंदर भंडार भरे रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।